हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन में। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इन लॉन्ग क्वेश्चंस को भी हम लोग बहुत ही ईजी वे में विदाउट यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। मैं उससे पहले स्टार्ट करूँ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है, क्योंकि मैं फेसबुक ग्रुप में भी बहुत सी चीज़ें पोस्ट करता रहता है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर सिखाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस से अपना शॉर्ट ट्रिक्स। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? ठीक है, अब ये क्वेश्चंस है प्रॉफिट लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए है। ठीक है, तो देखिए अब इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल मेरे पॉइंट टू पॉइंट को नोट करते रहिए, और साथ ही साथ आप एक फेयर नोट्स भी बना लीजिए, जिसके मेरे सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्यूशन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको रिवीजन टाइम पे बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते देखिए पहले इसमें पूछ रहा है कि पहले चीनी का प्रति मूल्य क्या था। ठीक है, हमको निकालना है बिफोर चीनी रेट निकालना है। ठीक है, शुगर का रेट जो था बिफोर। तो देखिए हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक्स में करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के करने के लिए पहले लिख लेते हैं बिफोर। ठीक है, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, तो मान लेते हैं चीनी का पहले मूल्य 100 रुपए था। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो मतलब कि मानते हैं पहले चीनी का मूल्य 100 रुपए था, अब जब 20% की कमी हो गई तो ये कितना, आप फिर कितने मिलेगा, 80 रुपए का। ठीक है, हमने यहाँ से रिडक्ट कर दिया है 20%। ठीक है, ये माइनस एरो का नीचे का निशान है। ठीक है, तो देखिए इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5:4। ठीक है, तो ये हमारा रुपीज में रेशियो आ गया। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 और ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में ये बिफोर, ये सारे रेट बिफोर के चल रहे हैं और ये आफ्टर के चल रहे हैं। ठीक है, इस पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बिफोर आफ्टर लिख के बीच में रेशियो का निशान लगा रखा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है और हमारे अकॉर्डिंग आवर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 160। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है, अधिक लिया है ना, मोर। ठीक है, मोर है ना, तो यहाँ से इनका हम लोग डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 1 का। ठीक है, यहाँ से भी ये डिफरेंस 1 का आ रहा है। ठीक है, सिंपली रेशियो तो डिफरेंस में चलता है ना, कांस्टेंट, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो हम यहाँ पे 1 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 160 नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पे हमारा होगा 8 होगा, क्योंकि ये देखो 8 लिखा है ना, तो इसको जब करेंगे सिंपलीफाई तो सिंपली 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये 8 रेशियो हमारा आया है ना 4:5 का, इस पे हम ये 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8×4=32 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 8×5=40। ठीक है, ये 40 है। ठीक है, 40। तो अब देखिए, अब हमसे क्या पूछ रहा है, पहले का मूल पूछ रहा है ना, तो ये
बिफोर चल रहा था, तो ये हमारा बिफोर का रेट है, ठीक है, और ये हमारा आफ्टर रेट है, ठीक है। तो हमसे बिफोर पूछ रहा था, तो बिफोर हमारा बिफोर रेट आ जाएगा, यहाँ से ले लेते हैं बिफोर रेट, तो कितना है 160 डिवाइड बाई 32, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रेट आ जाएगा 5 रुपीस, ठीक है, जो कि हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसी में क्वेश्चन कर देता कि आफ्टर रेट क्या है, ठीक है, तो आफ्टर रेट निकालने के लिए हम लोग इस चीज़ से वैल्यू से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, 40 से। तो अगर क्वेश्चन में आफ्टर कर देता आफ्टर रेट, तो हम लोग 160 डिवाइड बाई 40 करते, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया और ये 4 आ गया, ठीक है। तो आफ्टर रेट ये है और बिफोर रेट ये है, और हमसे क्या पूछ रहा है, बिफोर रिडक्शन प्राइस, तो मतलब रिडक्शन से पहले, तो सिंपली हमारा बिफोर रेट हो गया, तो बिफोर रेट हमारा आ गया 5, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब इन केस मैंने ये चीज़ बता दिया है कि अगर आफ्टर पूछता तो हम लोग 40 से डिवाइड करते 160 को, ठीक है। सो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक्स और लॉजिक। सो अब आप लोग इस क्वेश्चंस के टाइप को आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए सेम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। अब इस ये तो समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, शायद और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, चीनी की कीमतों में 20% की कमी के कारण 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, कमी से पहले चीनी का कीमत क्या थी, ठीक है, ये हमें बताना है, मतलब बिफोर प्राइस क्या थी, ठीक है, कमी होने से पहले। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बिफोर और आफ्टर, मान लेते हैं चीनी का रिडक्शन होने से पहले मूल्य 100 रुपये था, ठीक है, और आफ 20% यहाँ पे देखो रिडक्शन लिखा ना, 20% रिडक्शन होने के बाद कितना हो गया, 80 हो गया, तो ये 0 से हमारे 0 कट गए, ठीक है। फिर और हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारा 5 और फिर ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो ये हमारा रुपीज़ में आ गया रेशियो, ठीक है। अब हम इनको क्या क्रॉस कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हमारा 5 और ये हमारा 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा गुड्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है और आवर अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 5 kg, ठीक है, 5 kg देखो लगा मोर, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, इनका डिफरेंस कितना आया है, 1, ठीक है, 1 आया ना, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, हमारे अकॉर्डिंग आया है 1, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जो रेशियो हमें आया है ना, ये रेशियो 4:5 है, इस पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो ये वैल्यू आई थी इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 25, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बिफोर रिडक्शन प्राइस, तो बिफोर रिडक्शन प्राइस हमारा तो ये चल रहा है ना 20 है, तो देखो बिफोर बिफोर प्राइस रिडक्शन से पहले, ठीक है, तो कितना होगा, ये 600 है, 600 डिवाइड बाय 20, तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गए और ये हमारा सिंपली 30 रुपीज़ आ गया, ठीक है। और अगर देखिए यहीं पे अगर आफ्टर रेट पूछा ना, आफ्टर आफ्टर प्राइस पूछता, तब हम क्या करते, तब हम लोग 600 डिवाइड बाई इस प्राइस को हम लोग डिवाइड करते तो 25, ठीक है, तो ये कट के पूरा कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कि आफ्टर रेट हमारा ये हो गया और बिफोर रिडक्शन ये हो गया, बिफोर प्राइस, ठीक है। तो हमारा आंसर ये है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है बिफोर रिडक्शन प्राइस, ठीक है, तो 30 रुपीज़, ठीक है।
अब इन क्वेश्चंस को आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बस यहाँ पे इन क्वेश्चंस में ये हमें इंटरचेंज करना रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बट उससे पहले इस चीज़ को मैं आपको यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करके सिखा बता देता हूँ, ठीक है, कि इसी क्वेश्चन को हम लोग यूनिटरी मेथड से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का मैं एक सोल्यूशन और दे रहा हूँ, यूनिटरी मेथड। अब देखिए यूनिटरी जो हम लोग मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए 20% हमें दे रखा है ना, तो 20% की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/5, ठीक है। मतलब कि क्या है कि एक कमी है हमारे में, ठीक है, और ये इसका इनिशियल प्राइस था, ठीक है। तो देखो और कमी कितनी हो रही है, कमी एक की हो रही है, ठीक है। तो मतलब कि क्या है, ये बिफोर थी और ये बिफोर प्राइस था, ठीक है, और ये कमी एक, एक की कमी हो रही है। तो मतलब कि क्या है, बिफोर और आफ्टर, तो बिफोर कितना था 5 और एक की कमी हो रही है, तो 5 - 1 कितना हो गया 4, तो वही यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। और देखिए अब देखिए हमारे पास ये जो है, ये 5 आया ना, ये हमारा 1 यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, ठीक है, और हमसे 4 यूनिट पूछ रहा है, तो 4 यूनिट कैसे निकालेंगे, 4 यूनिट इज इक्वल टू 5:4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और फिर हमसे 5 यूनिट पूछ रहा है, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 5:5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो देखिए सिंपली उसी चीज़ पे हम लोग आ गए ना, जो हम लोग ने वहाँ पे निकाला था 20 और 25, तो ये बिफोर है क्योंकि ये आफ्टर हो गया, 4 यूनिट हमारा आफ्टर हो गया और ये हमारा बिफोर है। तो हमसे क्या बिफोर पूछ रहा है, तो हम लोग बिफोर हमारा कौन सा है, 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। बिफोर बिफोर कितना है, 600/20 करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। तो देखिए ये कट के हमारा कितना आ जाएगा, 30 रुपीज़, ठीक है। अगर आफ्टर पूछता क्वेश्चन में, आफ्टर भी निकाल सकते थे, तो 600/25 कर देते, तो देखिए कट के हमारा क्या है, 24 आ गया। ये आफ्टर प्राइस है और ये बिफोर प्राइस है, तो हमसे क्वेश्चन में बिफोर पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे इसी क्वेश्चन को परसेंटेज वैल्यू से कर दिया, ठीक है। 20% जो आया था क्वेश्चन में, उसका हमें परसेंटेज वैल्यू पता था, ठीक है, 1/5, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1008 रुपये में बकरियां खरीदता है, वह एक बकरी की 20% हानि पर तथा दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेची होती, मतलब कि क्या है, ये SP है, ठीक है, तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात करनी है, मतलब कि हमें ये 20% पे इसकी कीमत फाइंड करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये SSC सीजल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, और इस क्वेश्चंस को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आ जाए तो इन क्वेश्चंस को भी हम लोग बहुत ही ईजी डील कर सकते हैं अपने प्रीवियस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मैं प्रीवियस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, सेम उसी तरह इन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखो क्या है, वह एक बकरी को 20% हानि पर, तो मतलब कि क्या है, CP और SP, ठीक है। पहले केस में क्या कह रहा है, 20% की हानि हो रही ना पहली बकरी को, मान लेते हैं पहली बकरी का CP 100 था, ठीक है, ये मैंने लेट किया है, सपोज किया है, ठीक है, तो 20% की हानि हो रही, तो कितना हो जाएगा, 80 रुपये, ठीक है। ये पहला केस है, ठीक है, फर्स्ट केस प्रॉफिट का है। और दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरी बकरी को 44% प्रॉफिट पर बेचता है, तो ठीक है, अगर बकरी की कॉस्ट प्राइस 100 थी, तो जब उसने प्रॉफिट में बेचा तो कितना हो जाएगा, 144 रुपीज, ठीक है, ये हमारा सेकंड केस, ओके। अब देखिए हम लोग इस चीज को अभी 2 से डिवाइड करके
फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ से ये जीरो से जीरो काट दिया, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 5:4, ठीक है। सेम इसी को भी सिंप्लीफाई करेंगे 4 से, तो ये हमारा हो जाएगा 25:36, ठीक है। इसको मैंने 4 से डिवाइड किया है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये एसपी चल रही ना, अब हमें एसपी को सेम बनाना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसने समान कीमत पर बेची, तो ये एसपी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हमें एसपी को सेम बनाना होगा, ठीक है। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इस फिगर पे जो 36 आया ना, तो यहाँ पे हम लोग 36 मल्टीप्लाई करेंगे, इस फिगर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फिगर्स में, ठीक है। तो ये 36 से करेंगे और इस फिगर को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 और ये 4, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये हमारा हो जाएगा 180:144, ठीक है। और फिर ये हमारा हो जाएगा 100:144। तो अब देखिए हमारी सीपी सेम हो गई, एसपी सॉरी, ठीक है। अब इनको क्या हम लोग ऐड कर लेंगे टोटल, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 288, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए ये हमारी क्या चल रही है, ये हमारी सीपी है ना, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1,008 रुपये में बकरियां खरीदता है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, 280। तो मतलब कि क्वेश्चंस और आवर, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 1,008, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, ये हमारे अकॉर्डिंग आया है सीपी 280, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कट के आ जाएगा 3.6 आ जाएगा, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है कि हानि पर बेची गई, मतलब कि 20% हानि पर बेची गई, ये ना हानि पर बेची गई बकरी की कीमत क्या थी, तो हानि पर तो ये पहला केस चल रहा था ना, फर्स्ट केस था ये, और ये हमारा सेकंड केस है, ठीक है। तो हानि पर तो सीपी यही है ना, तो हम क्या इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फिगर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये 0.36 मल्टीप्लाई बाय 180। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 648, जो कि हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि प्रॉफिट पर बेची गई बकरी का प्राइस क्या होता, तो हम यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर प्रॉफिट वाली बकरी का प्राइस पूछता तो हम लोग क्या करते, हम लोग 3.6 मल्टीप्लाई बाय ये फिगर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि उसे कितना 44% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 144 मैंने कर दिया, और सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारा आ जाता 518.4 रुपीज़, ठीक है। ये इस केस के लिए था जब दूसरी बकरी का पूछता, ठीक है। अब बस इसी फिगर से हम सब निकाल लेते हैं, ये बिफोर प्राइस है ना प्रॉफिट के साथ, अगर क्रॉस क्रॉस प्राइस पूछता उसी बकरी का कीमत पूछता तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते। तो देखिए अगर इस चीज़ सेकंड बकरी जो थी गोट, उसका अगर हमसे प्राइस पूछता तो हम लोग यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाई 3.6 कर देते, ठीक है। तो ये सिंपली आ जाता, सिंपली 360 आ जाता है, जो कि ये सीपी थी सेकंड गोट की, ठीक है। अब इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से हमें वेरी करना है, जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ये सीपी है और ये एसपी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो होप ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हमारा ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दो घड़ियों की कुल कीमत कितनी है, 840 रुपये, ठीक है, और एक को से 60% लाभ पर तथा दूसरे को 12% हानि पर बेच देता है, तो कोई लाभ या हानि नहीं होती है, तो लाभ पर बिके घड़ी का क्रय मूल, मतलब कि हमें लाभ पर कौन सी बिकी है, 16% की बिकी, इस पे हमें इसकी सीपी बतानी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम लोग अपने पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कैसे कर रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स में,
ठीक है, ये हमारी सीपी हो गई और ये हमारी एसपी। ठीक है, पहले केस में क्या कह रहा है कि 16% लाभ पर बेचा गया। अगर पहले केस में घड़ी 100 रुपये थी, पहली वाली घड़ी, तो उसको 16% लाभ पर बेचा गया, तो कितने में बिकी? 116 में। ठीक है, और दूसरे केस में क्या कह रहा है, हानि होती है, तो अगर दूसरी घड़ी की 100 रुपये कॉस्ट थी, ठीक है, सीपी, तो 12% हानि पे बेचेंगे, कितने में बिकी? 88 रुपये में। ठीक है, अब देखिए, अब इस चीज को भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये फिगर आई है ना, इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हम जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, और ये 29। ठीक है, फिर ये 25 और ये हमारा 22। ठीक है, अब देखिए, अब इनका हमें क्या डिफरेंस लेना है, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये डिफरेंस हमारा आ जाएगा 4, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा 3। ठीक है, अब जो ये 4 और 3 आया है ना, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम नीचे कर देंगे और 3 को हम लोग ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली फिगर से। तो देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 75। ठीक है, और ये हो जाएगा 87। ठीक है, 4 को करेंगे नीचे तो ये हमारा 100 हो जाएगा और ये हमारा 88 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस है, ठीक है, और ये सेकंड केस है। ठीक है, अब इनका हम लोग क्या टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 175:1। ठीक है, अब देखिए, टोटल कॉस्ट हमारी सेम हो गई ना, ये टोटल हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है और हमने क्या निकाला है। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दे रखा है 840। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है? 175 आया है। ठीक है, तो उसने क्या कहा था, दोनों घड़ियों की कुल कीमत 840 है और हमारे अकॉर्डिंग देखो टोटल कितना आया है, 175 आया है। ठीक है, ये 175 आया ना टोटल हमारे अकॉर्डिंग, तो वही हमने यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड मत करें क्योंकि फिगर आ जाएगी डेसिमल में, तो सिंपली जो क्वेश्चन आगे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो अब देखो क्या कह रहा है, लाभ पर बेची गई घड़ी का मुझे सीपी बताना है। तो देखो, ये पहला केस है ना, तो इसका ये सीपी हो जाएगा और ये एसपी चल रही है। ठीक है, तो 75 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो प्रॉफिट वाली जो वॉच थी, प्रॉफिट ऑन 16%, सीपी क्या हो जाएगी? सीपी हो जाएगी 840/175 मल्टीप्लाई बाई ये फिगर 75 की, क्योंकि सीपी यही है ना पहले केस की। अगर हमसे दूसरी केस की सीपी पूछता तो हम 100 से करते, लेकिन हमसे तो पहले लाभ पर बेची गई घड़ी का पूछ रहा था सीपी, तो सिंपली 75 से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 360 रुपये। ठीक है, जो कि हमारा आंसर होगा। अब देखिए, इसी केस में अगर ये पूछ लेता कि जो हानि पर बेची गई है 12%, ठीक है, उसका हमें सीपी बताना, तो अगर लॉस की हमें सीपी बतानी है तो हम लोग क्या करते हैं, इससे फिगर को मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या करते हैं, 840/775/100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जब इसको सिंप्लीफाई करते तो इसका आंसर आ जाता हमारा 480 रुपीज़। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन तो पूछ रहा है 16% पे, तो हमारा आंसर 360 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर है ये। ठीक है, ये मैंने बता दिया है कि अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, मैं बताना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कन्फ्यूजन मत होइए, हमारी चीज़ें यहीं से निकल आएंगी। अगर एसपी पूछता तो हम इससे मल्टीप्लाई करते, पहली घड़ी का और दूसरी घड़ी का इससे कर देते। ठीक है, ये सीपी चल रही है, ये एसपी चल रही है। ठीक है, बस इन्हीं फिगर से अब हमें अपने आंसर्स पे निकाल आने हैं। ठीक है, ये फिगर जो दे रखी है, ठीक है, यही फिगर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से हमें बस मल्टीप्लाई करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हमारा यह क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ
तथा उन्हें बेचते हुए 30% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मतलब देखिए, ये क्वेश्चंस अब आपको विदाउट फॉर्मूला करना है। जैसे मैंने SICI में आपको इफेक्टिव परसेंटेज निकालना बताया था ना, उसी तरह यहाँ पे भी आप सिंपल उसी फॉर्मूले से हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ पॉजिटिव दे रखा ना, +20 और +30%, ठीक है। और हमें इसका कुल प्रतिशत लाभ बताना है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ों को हम लोग सिंपल एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, a+b + a * b/100, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको मैं हमेशा बताते हुए आपको आ रहा हूँ। SICI में भी हमने इसका खूब यूज़ किया है, ठीक है। अब सिंपल हम यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं। अब ये हमारी ए वैल्यू हो गई और ये हमारी बी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसी में पुट करते हैं, 20 + 30 + 20 × 30/100। तो दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, ठीक है। तो ये हमारा 50 हो गया और ये +6 हो गया, ठीक है। तो फिर सिंपलीफाइड, तो ये 56%, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं, बस हम अपने लॉजिक से हम लोग अपने आंसर्स पे आ जा रहे हैं, ठीक है। अभी चलिए हम इस तरह के क्वेश्चंस को और करते हैं तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको परसेंटेज वैल्यू से भी कर सकते हैं, 30% और 20% वैल्यू, बट हमें सिंपली एक फॉर्मूला पता है जिससे हम इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो वो हमने निकाल लिया 56, ठीक है। a + b + a * b/100 में करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार 10% सामान खरीदते समय तथा 10% लाभ सामान बेचते समय कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है। तो बस सिंपली हम अपने फॉर्मूले a + b + a * b/100 में करेंगे और अपना आंसर्स ले लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, 10 + 10 + 10 × 10/100। तो ये हमारा कट गया, तो ये हमारा 20 + 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 21%, ठीक है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। दिस इज प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स था, बस कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूला पता है और अपने आंसर्स पे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन में 20% की कम तोलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पे इसके लिए हमें ये जो 20% लॉस निकालना है ना, इसको मुझे निकालना पड़ेगा। तो देखिए देखिए क्या कह रहा है, 20% कम बाट यूज़ कर रहा है ना, मतलब कि 1000 की जगह वो 800 रुपये दे रहा है, 800 रुपये में, 800 ग्राम में कर रहा है, तो मतलब कि बाट का प्रयोग कर रहा है। तो देखिए, मतलब कि क्या, 1 kg में वो 20% की कमी कर रहा है ना, तो मतलब कि 800 दे रहा है, तो टोटल कितना हो गया, सॉरी 200, ये मतलब कि हमारा ये 200 हो जाएगा, 200, तो कितना हो जाए, 800, मतलब एक किलो की जगह वो 800 ग्राम तोल रहा है, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकलेगा, ये टोटल कितना है, 200 और डिवाइड बाय 800 × 100, ठीक है। तो ये दो जीरो से कट गए और ये हमारा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, 25% प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, फिर हमें देखिए, यहाँ पे ए वैल्यू हमें ये दे रखी है 10% और दूसरी हमने निकाली है, ठीक है, 25%, और सिंपली हम a + b + a * b/100 से अपने आंसर्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो 10 + 25 + 10 × 25/100, ठीक है। जब इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35 + 2 0 1 0 से 0 कट जाएगा, है ना, और ये हमारा ये 25/10 हो जाएगा। तो जब इसको सिंपलीफाई प्लस ये 2.5 हो जाएगा,
तो इसको ऐड कर देंगे 37.5%, ये हमारा आंसर हो गया, ये था हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आंसर निकालने के लिए आप जल्दीबाजी मत करिए कि हम डायरेक्टली ए प्लस बी प्लस ए माई ए इंटू बी अपॉन 100 कर दें, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट हम ये लगाते तो आंसर ना आता, ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू एक की दे रखी थी, दूसरी हमें निकालनी थी, ठीक है, जो कि 25 निकाली हम लोगों ने। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि योर हैप्पीनेस इज़ आवर प्लेजर। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।